तो गाइस इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D का लेटेस्ट अपडेट आने वाला है, जिसमें न्यू थार आने वाली है और न्यू थार के पीछे एक टायर मिसिंग था स्टेफनी वाला, तो वो अब ऐड हो जाएगा गाइस। वो जो टायर है वो अब ऐड कर दिया गया है आप लोग के डिमांड के कारण। और ही साथ ही में निसान GTR आने वाली है और गाइस डॉग का न्यू अपडेट आने वाला है, जिसमें अब आप डॉग को भी चला सकते हो। तो आज हम इन्हीं सब चीजों को देखेंगे, लेकिन उसके लिए वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो ऐसे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के मजेदार वीडियोस देखने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस हमारी जो न्यू थार आने वाली है 9091 का चीट कोड इसका होने वाला है, शायद से, पक्का नहीं बोल सकता हूं मैं, लेकिन मेरे हिसाब से यही होगा क्योंकि हमारी 9090 वाली मॉडिफाइड थार भी रहने वाली है और साथ ही में ये न्यू थार भी ऐड होने वाली है। अब इसका मॉडल पहले आ चुका था, लेकिन बहुत लोगों को इसके पीछे का टायर जो मिसिंग था वो चाहिए था, इसलिए अब इसमें वो भी ऐड कर दिया गया है गाइस। तो आज मैं आपको वही दिखाने वाला हूं और ही साथ में आप देख सकते हो जो थार है वो आप मल्टी कलर कर सकते हो गाइस, और मल्टीपल कलर्स में ये काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। तो ये है गाइस हमारी वो न्यू थार और ये रहे इसके पीछे के टायर। पीछे के टायर नहीं होने के कारण काफी ज्यादा खाली खाली सी लग रही थी, लेकिन अब गाइस बिल्कुल परफेक्ट हमारी ये थार लग रही है। तीनों थार के आप पीछे देख सकते हो कि जो टायर है वो ऐड कर दिया गया है। अब थार का गेम प्ले गाइस मैं आपको दिखाने वाला हूँ GTA 5 में, ताकि आप फील ले सको कि इंडियन बाइक में आने के बाद ये कैसी लगेगी। तो गाइस ये जो थार है ना, ये हमारी 2010 वाला मॉडल है, ठीक है, थार का, तो इसे आप ओल्ड थार भी बोल सकते हो। और हमारी जो थार ऐड होने वाली है ये इससे ही कुछ मिलती जुलती सी है, ठीक है, लेकिन इसको चलाने में यार बहुत ज्यादा मजा आ रहा है भाई। मेरे को तो सच में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है इस ट्रैफिक के बीच में अपनी थार को घुमाते हुए। और अब मैं आपको दिखाऊंगा इस हमारी जो न्यू थार है उसका गेम प्ले। तो ऐसी एक थार ऐड होने वाली है हमारी इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में गाइस, और बिल्कुल ही सेम है, बस पीछे का वो स्टेफनी इसमें नहीं है जो कि अब उसमें ऐड कर दिया गया गाइस। लेकिन यार कितनी ज़्यादा कूल लग रही है, और रेड थार तो भाई सबको ही पसंद है, तो इसलिए हम लोग यही चलाएंगे। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑफ रोडिंग करते वक्त कैसा मजा आता है इसमें। अभी ये जो थार है ये आपको जीप जैसी लग रही होगी क्योंकि इसका ऊपर का जो रूफ है भाई वो मैं टकराया था तो निकल गया, लेकिन ऐसे भी काफी अच्छी लग रही है। और ये भी एक मॉडल है गाइस, तो देखो ऑफ रोडिंग करने में भाई क्या सही लगती है थार। और कोई गाड़ी होती ना शायद भाई इतने अच्छे से ऊपर पहाड़ पे नहीं चल पाती, बट ये थार है भाई और क्या ही चल रही है। आप इसके टायर देखो बस कैसे ऊपर नीचे हो रहे, यहाँ थोड़ा ज्यादा कर दिया मैंने, अरे यार पत्थर में अटका दी, क्या ये निकलेगी गाइस? निकल जाएगी भाई क्योंकि ये थार है, ऑफ रोडिंग के एक्सपर्ट गाइस, ये देखो निकाल ली हमने। और साथ ही में गाइस आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड में रही कार निसान GTR भी ऐड होने वाली है हमारे नेक्स्ट अपडेट में, जिस पे काम जो है वो चल रहा है गाइस। तो जब तक भाई वो रेडी नहीं हो जाती मैं आपको दिखाता हूँ निसान GTR कैसी लगेगी जब वो गेम में आएगी। तो ये है हमारी निसान GTR GTA 5 में गाइस, और इतनी ज्यादा अच्छी लगती है गाइस क्योंकि ये एक स्पोर्ट्स कार है ना भाई, तो देख के मजा आ जाता है, चलाने मजा आ जाता है। आप बस देखते जाओ कि ये नॉर्मल कार से कितनी ज़्यादा तेज भाग रही है, और बिल्कुल ही एक स्पोर्ट्स कार वाली फीलिंग इसमें आ रही है। सामने से दिखा दिया मैंने, पीछे से दिखा दिया, अरे यार गाइस यार यहाँ पे मैं सामने देखना भूल गया था जिसके कारण हम लोग नीचे गिर गए, और मेरी निसान GTR थोड़ी सी ठुक गई है और थोड़ी सी डैमेज भी हो गई यार साइड से, लेकिन ठीक है भाई चलाने में जो मज़ा है ना इसको भाई क्या ही मज़ा आ रहा है। इसको फुल ट्रैफिक के बीच में यहाँ पे मैं आपको चला के दिखा रहा हूँ गाइस कि क्या ही निकालता हूँ मैं इनको ट्रैफिक के बीच में से। और ये हमारे नेक्स्ट अपडेट में भी आ जाएगी इंडियन बाइक के क्या ड्रिफ्ट में आ रही है। अब हमारा जो अगला अपडेट होने वाला है गाइस ये बहुत ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि हमारे जो डॉग है इसमें चेंज आ गए हैं। अब आपका जो डॉग है भाई उसको आप चिल्ला भी सकते हो, तो सबसे पहले आपको डॉग बुला लेना है 600 की चीट कोड से, डॉग आ जाएगा, फिर आपको उसके पास जाना है जैसे कि आप वेलोसिराप्टर और हॉर्स के पास जाते थे। और अब जो है ये डॉग है ना आपके पीछे नहीं घूमेगा गाइस, वैसे नॉर्मली आपके पीछे पीछे भागता है ना, अब ये एक ही जगह पे खड़े रहेगा ताकि फिर आप जाके इसको राइड कर सको। तो आपको बस इसके पास जाना है और फिर आपको ऐसा एक ऑप्शन दिखेगा, और इस ऑप्शन पे आप दबाओगे तो आपका कैरेक्टर डॉग पे बैठ जाएगा गाइस, ये जो कुत्ते के पाँव का निशान है ना ये आएगा, तो आपको इसको दबा देना है और फिर आप डॉग पे बैठ जाओगे। और डॉग पे बैठने पे यार थोड़ा सा अजीब लगेगा क्योंकि हमारे बंदे की जो हाइट है भाई ये नॉर्मली होता नहीं है ना,
क्या नॉर्मली कोई भी डॉग को राइड करता नहीं है, तो इसलिए क्या डॉग की हाइट जो है वो छोटी पड़ गई है, तो आपके जो पैर रहेंगे वो ज़मीन के ऊपर ही रहेंगे गाइस। तो ऐसे ही आपको इसको राइड करना है, और जब आप इसको चलाओगे गाइस तो बहुत ज़्यादा फनी लगता है। कितना ज़्यादा खतरनाक लग रहा है यार, ये क्या है यार, ये मतलब भाई शेर को जैसे घुमा रहा है ना वैसे अपने कुत्ते को घुमा रहा है ये बिल्कुल ऊपर चढ़ के गाइस। और क्या इसके जो पैर है ना वो ज़मीन पे ही है, तो ऐसा लग रहा है कि बंदे को यार चलाने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद भी भाग सकता है। लेकिन गाइस एक और अच्छी चीज़ बताता हूँ जो हमारे नेक्स्ट अपडेट में आने वाली है, ये जो डॉग रहने वाला है ना ये भाई NPC को भी काटेगा, ये आपको बचाएगा गाइस। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हम चलते हैं NPC के पास और वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ भाई ये कैसे आपको बचाता है। लेकिन ये यार वेलोसिराप्टर थोड़ा अलग होने वाला है स्मॉल डायनासोर से, वो कैसे होने वाला है गाइस, की जो स्मॉल डायनासोर है वो अपने आप NPC को जाके काटता है, ठीक है, वो अपने आप करता है ऑटोमेटिक, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन भाई डॉग है ना, तो इसके लिए आपको एक पंच का ऑप्शन दिया जाएगा, और जैसे ही आप वो फिस्ट के ऑप्शन को दबाओगे फिर हमारा डॉग भाई बाइट वाला एनिमेशन करता है काटने वाला ऐसे, ठीक है। तो आपको बस जाना है NPC के पास और ऐसे काटने वाला आप ऑप्शन जब दबाओगे मुक्के वाला, तब वो मुक्का नहीं मारेगा, वो काट देगा NPC को। तो ऐसे आप भाई सारे NPC को मार सकते हो और डॉग को ऐसे हथियार आप अब यूज़ कर सकते हो। देखो एक और NPC को मैंने यहाँ पे काट दिया है, मतलब मैंने नहीं मेरे कुत्ते ने काट दिया है, ठीक है, तो ऐसे आप मार सकते हो। लेकिन अभी हमें ये भी देखना है कि हमारा जो डॉग है ये क्या क्या चीज़ों पे अटैक करता है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास पुलिस वाले भी है ना, तो हमें ये भी देखना है अभी कि क्या डॉग पुलिस वालों को अटैक करता है कि नहीं, और इधर जो NPC अंदर बैठे इन सब पे ये अटैक करेगा कि नहीं, तो ये सब हमें मालूम चलेगी हमारे नेक्स्ट अपडेट की वीडियो में गाइस। तो उसके लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से रख लेना, वरना वीडियोस मिस कर दोगे। अब मैं आपको यही डॉग दिखाता हूँ GTA 5 में हमारे कैसे रहता है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि GTA 5 में भी हमारे पास एक पेट डॉग रहता है गाइस, और इसका नाम रहता है चॉप, और इसको हम लोग वॉक पे भी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप राइट क्लिक करोगे माउस से तो फिर आप इसको वॉक पे ले जा सकते हो, फिर ये आएगा हमारे साथ और घूमता है, ठीक है। इसके साथ फिर हम लोग भाई बॉल भी खेल सकते हैं, बॉल कैच खेल सकते हैं, जहाँ पे हम लोग यार बॉल को जो है ना वो दूर फेंकते हैं और ये चॉप उसको लेके आता है बिल्कुल नॉर्मल डॉग्स की तरह। लेकिन इस पे गाइस कोई भी राइड का ऑप्शन नहीं है, जैसा हमारे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में भी आया है, ऐसा ऑप्शन भाई आपको GTA 5 में देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आप कुत्तों को राइड नहीं कर सकते हो, वैसे आपका कुत्ता तो एक ही है, बाकी कुत्ते आपकी बात नहीं सुनते। तो इसके पास देखो मैं आके देखता हूँ, और यहाँ पे आप कोई भी ऑप्शन दबा लो आप इसके ऊपर नहीं बैठ सकते, और अगर आप बॉल थोड़ी सी ऊपर नीचे या कहीं और फेंक देते हो तो फिर भाई वो बॉल भी लेने नहीं जाता, वो भूल जाता है कि बॉल कहाँ चली गई, उसको ढूंढना नहीं आता है, ठीक है। फिर आप वापस राइट क्लिक करके इसको वापस घर भेज सकते हो और आप जा सकते हो अपने मिशन पे गाइस। तो ये है हमारे नेक्स्ट अपडेट में आने वाली कुछ और चीज़ें गाइस, ऐसे ही और चीज़ें देखते रहनी है तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से रख लेना, वरना बहुत चीज़ें मिस कर दोगे आप। और ही वीडियो को लाइक कर देना गाइस, कमेंट में और चीज़ें बताओ, क्योंकि जो भी आप डिमांड करते हो वो सब ऐड होते जाता है, इसलिए और चीज़ें बताओ कमेंट में, क्या क्या ऐड होना चाहिए इसके नेक्स्ट अपडेट में इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में, ताकि डेवलपर वो ऐड कर सके। और अगर आपको मेरी पिछली वीडियो देखनी हो इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, देख लो दबा के।